Uh, Bismillah, Kwan Reem, and Aslanikum, everyone. Welcome back to the Common Voice. Uh, and Professor Sayed Hussain Heather is with you again. Uh, today, we have a speaker, a uh, human resource expert, a professional, uh, jinka 25 a lot of Pakistan, or and the world of Haroon Ahmed Shabir. Haroon Ahmed Shabir is currently the Senior Vice President of Amentus Technologies, which is a Pakistani based. Multinational group operating from more than nine countries. Uh, we know that uh, Haroon Saab uh, has had a wonderful uh, 25 years of experience in multinational companies, in uh, large uh, national groups, and also working with the government and teaching in different universities. Uh, Haroon is a human resource expert and also an IT expert, combining both to make a huge impact in Pakistan and abroad he is also the uh, the expert in the global integrity education project of unodc and has worked as a consultant with various uh, international uh, ifis which include the world bank, uh, usaid, dfid and asian development bank. and i would like to welcome Harun amarchabi to the program, uh, the common voice. thank you, haroon safa. apai and johanna youth potential, opportunities. ह्यूमन रिसोर्स की आई टी और एक पोस्ट कोविड सनैरियो के अंदर क्या हो रहा है दुनिया में और पाकिस्तान में जिसके बिना के ऊपर वो लोग जो हैं कारोबार भी कर सकते हैं और अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क हारून इज हारून साहब यू हैव अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ वेरी वर्सटाइल ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोजर एक्सपीरियंस मल्टी अगेन फॉरन एंड नैशनल सो Uh, आप जो एवोल्यूशन ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे देखते हैं देखिए थोड़ा सा अगर मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ इन जस्ट टू मिनट्स के जो एवोल्यूशन ऑफ़ एच है हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल्यूशन से विच इज सेवनटीन सेंचुरी ए डी आफ्टर दी सेंचुरी ऑफ रेनेसांस एंडेड इज सेंचुरी एंड वी वेंट सिक्सरी एंड सेंचुरी और मैथ स्केल प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुई तो दे वॉज अ नीड के अब लोगों को मैनेज किया जाए लोगों को इंडस्ट्री uh, के अंदर जब मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुई लोगों के नंबर्स बढ़े तो उनको मैनेज करना था तो दे स्टार्टेड दी कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि मिलिट्री दी ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम तो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बट वेरी सुन दे रियलाइज कि नहीं हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए एंड दे डिवेल्प्ड इन पर्सनल डिपार्टमेंट सो पर्सनल डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया फाइल्स को मैंटेन करना शुरू किया रिकॉर्ड्स को मैंटेन करना शुरू किया एंड दिस इज़ हाउ द प्रोग्रेस एच आर स्टार्टड वी वेंट इंड टू द एटीथ सेंचुरी सेवनटीन के बाद जब एटीन सैचुरी में आया आपको बहुत से ह्यूमन साइंटिस्ट आपको साइकोलॉजिट सब उसी सेवनटीन सेंचुरी ए डी के अंदर मिलते हैं एंड दे स्टडीड केली वी हैव टू फोकस मोर ऑन रिसोर्साइड एंड दे डेवलप्ड द मैन पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिकॉज इंडस्ट्री में उस वक्त जो है वो ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात काम कर रहे थे तो मैन पार मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ दर्ल्ड टू अ टर्न एंड वोटिंग राइट मिल गया अमेरिका में भी वुमेन को और उसके बाद यूरोप भी उस तरफ चला गया सो वहाँ पर एक मूवमेंट चली कि मैन पावर मैनेजमेंट इज वेरी जेंडर स्पेसिफिक फीमेल वर्क फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग इंडस्ट्री सो दे नेम फ्रॉम मैन पावर मैनेजमेंट वॉज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रिसोर्समेंट सो देर आई कैन से फीमेल्स एज ह्यूमन इन दैट सोसाइटी अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाकिस्तान में भी बड़ी अप ग्रोइंग अपकमिंग फील्ड लास्ट टेन ईयर्स काफ़ी ज्यादा ग्रो किया इसने लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई दुनिया इस टाइम पे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रही है बिकॉज देश जिस तरीके से रिसोर्सेज हम मैनेजमेंट में चारों रिसोर्सेज पढ़ते हैं उसमें से ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है देशे कि जी ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसपे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की अगर हमने जो कि आगे जाके हम इस पे इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे नॉलेज बेस्ड इकानोमी की जहाँ पे कि हम फ्रीलांसिंग की बात करें नॉलेज की बेस के ऊपर बात करें आई टी की बात करें तो उन्होंने कैपिटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि सिंगापुर में वो अपनी बैलेंस शीट में इसको और जो एजुकेशन पे एक्सपेंस है उसको एसेट साइट पे लिखते हैं हम आज तक इसको यहाँ पर जो है एक्सपेंस साइट पे लिखते हैं दे स्पेंड थर्टी परसेंट ऑफ द जीडीपी टू द एजुकेशन

तो इसके अंदर जो ये जो गिग इकॉनमी है इसका क्या रोल है देखिये जो गिग इकॉनमी है हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गिग इकॉनमी क्या है ये जो डिजिटल इकॉनमी है इसको गिग क्योंकि आप अगर देखें ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर गिग्स जनरेट की जाती हैं से इफ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज सो आई विल एक्सप्लेन माय सर्विसेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसको गिग्स कहा जाता है पुराने वक्त में मेटा डेटा होता था वेबसाइट का अब इसको गिग्स कहा जाता है और वहां से ये लफ्स गिग्स पाकिस्तान अभी तक उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस तरह मैंने अपने पीछे भी एक्सप्लेन किया कि वी आर जस्ट फोर हंड्रेड मिलियन ऑफ रेवन्यू फ्रॉम दिस डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम कर रहे हैं और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें तो दे आर प्रोड्यूसिंग हंड्रेड एंड थर्टी थ्री बिलियन यू एस डॉलर फ्रॉम दी आई टी एक्सपोर्ट सऊदी अरब एक्सपोर्टिंग ऑयल एट 130 बिलियन डॉलर्स और इंडिया सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स 133 बिलियन डॉलर की कर रहा है तो अब hmm. दुनिया इसको द न्यू ऑयल कह रही है hmm. इस आईटी टी इकोनॉमी को द न्यू ऑयल कह रही है एंड वी नीड टू टैप दिस जैसा हमने जिक्र किया कि 60 परसेंट ऑफ आर वर्क फोर्सेज यंग वर्क फोर्स अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास है और हम इसको मैनी इंक्रीज कर सकते हैं और ये हमारी इकानमी का एक बहुत बड़ा बूस्टर और इनपुट आ सकता है इसके अंदर आई मीन टू फोकस दैट हारून साहब ये बताइएगा कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इवन ऑन टॉक शोज और आ, मीडिया में भी और जनरल डिस्कशंस के अंदर भी ये है कि क्या हमारी यूथ को नौकरी करनी चाहिए या उनको ऑनट्रप्रन बनना चाहिए और या उनको जो है ना फ्री लांसिंग करनी चाहिए और आप इन तीनों को कैसे कंपेयर करेंगे देखें आ... यू ऑलवेज हैव टू लुक इन टू दर एक के मकैनिक्स अपने अपने हैं जो नौकरी है उसके अपने मकैनिक्स हैं द पीपल हु डोंट वो कहते हैं ना अगर आपके अपने ख्वाब नहीं हैं तो आप किसी के खाब पूरे कर रहे हैं तो so, entrepreneurs अपने ख्वाब रखता है और वो uh, बहुत से businesses को डिवेलप करता है और बहुत से लोगों लोगों के वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा था लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर, तो कर रहे होते हैं तो नौकरी पेशा लोग उसके खवाबों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सो uh, so, लेकिन जो फ्री लांसिंग है वो भी एक किस्म का एंटरप्रेन्योरल वर्क है जो कि आप कर रहे होते हैं लेकिन आप एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम एट द कन्वीनियंस ऑफ योर टाइम आप ये फ़्री लांसिंग का काम कर रहे होते हैं सो so, हमारी जो यंगर जनरेशन है जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी जो यंगर जनरेशन है इनके टाइम जोन्स डिफरेंट हैं हमारी जो, जो ओल्डर जनरेशन है जो सेवेंटीज़ की जनरेशन है एटीज़ की जनरेशन है इनसे इनके टाइम जोन्स डिफरेंट हैं आपको इनके लिहाज से बात करनी पड़ेगी जिसम जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा था कि ज़माने के, के अंदाज़ बदले गए नया राग है सास बदले गए खैरत को गुलामी से आज़ाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर तो अब हमें जवानों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और अगर हम फ्री लांसिंग की बात करें तो दैट इज़ द न्यू डायरेक्शन वे द वर्ल्ड इज एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं गूगल की कि गूगल के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो हंड्रेड वन लाख टू थाउजेंड इंप्लॉयज़ हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ और जो उसके फ्री हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड सो गूगल इवन द लार्जेस्ट ऑनलाइन कंपनी इज बेसिकली मूविंग वेरी फास्टली टूवर्ड्स दी लांसिंग एक और जो कॉन्ट्रोवर्सी है या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ हैं और वो ये है कि डिग्री और स्किल्स में क्या फर्क है और विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई देखिए जी आ, डिग्री की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो आपको बेस एक फॉर्मल एजुकेशन आपको एक बेस देती है तो हम कहीं भी इस डिग्री की एलिमेंट को डिनाई नहीं कर सकते इसकी इम्पोर्टेंस को कहीं डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको फॉर्मल एजुकेशन कहीं ना कहीं एडवांटेज देती है लेकिन जो चीज़ हमारी डिग्री प्रोग्राम्स में लैक कर रही है दैट इज अ स्किल सेट ठीक है हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन हम स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते सो so, किसी भी इंटरव्यू में जब एज एन एच प्रोफेशनल मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि इस बंदे की स्किल्स कैसी हैं फ्री लांसिंग की जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे इसमें जो सबसे बड़ा डाउन साइड हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है hmm. हम लोगों को समझा नहीं पाते कि हमें काम आता है या हम काम डिलीवर करते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते hmm. तो वट वी नीड टू डू इज कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप yeah. करना पड़ेगा हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा हमें अपनी रिटर्न स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना हमें नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा एक होते हैं टेमनोलॉजी मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट आप इंप्रेशन क्या दे रहे हैं आई हैव कम अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इन करियर जिनके पास बहुत ज्यादा अच्छी स्किल होती है लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते सो दे फेल बिकॉज वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस द बोर्ड रख ही नहीं सके ना देर पीपल जिनके पास स्किल नहीं होती लेकिन वो इतना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं कि आप इंटरव्यू में एट टाइम्स यू आर टेकन अवे आप उसको हायर करते बाद में पता लगता है कि आपने गलत हायरिंग कर ली सो फॉर्मल एजुकेशन को हम कहीं भी डिसरिगार्ड नहीं करते लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बगैर आप आगे प्रोग्रेस हैं सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं निगोसिएशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड यू नीड टू फोकस दैट और हम यूनिवर्सिटी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर भी फोकस करें कि लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है डिग्रियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लोगों के पास लेकिन नहीं होती है। स्किल्स दे दी है हमारी गुफ्तू को थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने हजारों इंटरव्यूज किए हैं इन पच्चीस सालों के अंदर और आपने शायद लाखों सीरीज को जो है ना देखा होगा तो आपको क्या पहला क्वेश्चन ये है कि जी आपको सीरीज के अंदर किस चीज़ की कमी नजर आती है मोस्ट ऑफ द टाइम वाट आर दी इशूज विच और वाट आर दी कॉम्पोनेंट्स जो कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी सीवीज़ में मिस कर जाते हैं और इसका थर्ड कॉम्पोनेंट जो है वो ये है कि uh, कुछ हमें टिप्स फिर दीजिएगा कि वाट आर दोज थिंगस विच कैन डिफ्रेंशिएट अ सी वी एंड फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन समान गिव अ गुड इंटरव्यू देखिये जहां तक सीवी की बात है सीवी इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ठीक है एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन वो कहते हैं ना योर फर्स्ट इंप्रेशन इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन अगर मेरे सामने एक सीवी वी आया उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं आई पुट दैट सीवी साइड एस यार इस बंदे को अपना सीवी नहीं लिखना आता मैं इसको इंटरव्यू करके टाइम ज़ाया नहीं करूंगा सो प्लीज चेक ऑन दोज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक चीज टू मच डिटेल्स क्लाटेड सीवी लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि जनाब रंग बिरंगा कर दो डिजाइन डाल दो ये कर दो प्रोफेशनल्स लाइक मी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन सीवी कैसी है ऐसा नहीं है कीप इट स्ट्रेट सिंपल क्रिस्प टू द पॉइंट लोग अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन मिडिल मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट के लोग ये गलती करते हैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अपने सी में लिख देते हैं आई एज अ सीनियर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी मैं देखूंगा आपका स्किल सेट क्या है आप सीवीज में देखते हैं कि डिग्री सबसे एंड में होती है डिग्री पहले साल दूसरे साल तो मैटर करती है लेकिन 25 साल लाइक मा मेरे एज में जाके डिग्री मैटर नहीं करती मेरी अचीवमेंट्स मैटर करते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ब्रीफली एंड देन मेरी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी मेरी अचीवमेंट क्या थी उसके अंदर आई नीड टू फोकस ऑन दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं एज डायरेक्टर एच काम करता हूँ तो मेरी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या करता हूँ मेरे इंटरव्यू लेने वाले को पता है एच आर की जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है उसने ऑर्गेनाइजेशन में क्या थी मेरा लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव का नहीं पता लोगों थोड़ा को थोड़ा सा अगर हम सीवी को देखें न्यू ग्रेजुएट्स के लिए उसमें थोड़ा सा देखिए न्यू ग्रेजुएट्स को भी इवन अपनी uh, जो uh, डिग्री है वो तो खैर आ रही है यूनिवर्सिटी आ रही है जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम किया और उसकी जो अचीवमेंट्स थी वो क्या था हमारे यहां जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम विदाउट प्रेपरेशन जाते हैं फ्रेश ग्रेजुएट इनपैक्ट विदाउट प्रेपरेशन आते हैं इंटरव्यूज के लिए उन्होंने एच के कोर्स किए एच आर के बेसिक क्वेश्चन पूछ लें उनको एकेडमिक क्वेश्चन नहीं पता उनको कॉन्सेप्ट पूछ लें उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता ये प्रोजेक्ट आपने किया था एच का इसके अंदर आपने क्या किया दे डोंट नो बिकॉज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कि एक बच्चा पढ़ता करता है छः के नाम लिखता है उसके ऊपर तो मेरी रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट्स से यह है कि भाई जो काम किया है उसको सही तरीके से करो और उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करो सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ टॉल क्लेम्स इन आर सीवीज लेकिन जब वो इंटरव्यू interview, इंटरव्यू के सामने बैठते हैं इंटरव्यू के सामने तो वो उसमें से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो जो आपने अपने सीवी में लिखा है उसके मतलब जरूर पढ़ के जाए ठीक है या जिस फील्ड की स्पेशलाइजेशन आपने की है उसके अंदर एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी स्टूडेंट बॉडी का है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ज्यादा प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं होती है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता है कि उसको अपनी करियर चॉइस का नहीं पता होता तो उसने कहाँ जाना है उसका इंटरेस्ट क्या है उसने किस फील्ड में काम करना है वो एचआर की स्पेशलाइजेशन के साथ आता है और कहता जी मैंने मार्केटिंग की जॉब करनी है वो मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन के साथ आता है अब पिछले दिनों मैं एक सीवी कॉल कॉल करा था मुझे एक पोजीशन के लिए सीवी चाहिए था दैट वाज ऑफ़ फॉर अ सेल्स एजेंट जॉब एंड द फीमेल हैज़ डन जो है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड शी इज जॉब एंड मैडम यू आर अपेरिंग जॉब वाई वो जी वो मैंने इसलिए कर ली कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था मेरा इंटरेस्ट तो सेल्स है तो हमारे यहाँ

उसको सरपास कर जाएगा तो आफ्टर फोर टू फाइव शी हैज टू रीथिंक अबाउट द करियर तो भाई अपना करियर सेलेक्ट करते वक्त अपनी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान से करें आपका इंटरेस्ट क्या है नहीं अच्छा तो ये बड़ी अच्छी गेंद आप गुफ्तु कर रहे हैं ये बताइएगा कि जो जॉब प्रॉस्पेक्ट हैं फॉर द फ्यूचर वो क्या है कौन से एरियाज हैं जहाँ पे यूथ को जो है ना जाना चाहिए देखिए आईसीटी Information and communication technologies—a uh, vast field. World is digital; it is entering a digital. The world actually has entered a digital age. Pakistan is 20 years behind that. But right. future is IT. So go into that. Prepare yourself. IT may be regular uh, IT skills, High-end skills The World is talking about nanotechnology. The world is talking about. आपको उस तरफ जाना पड़ेगा mm -hmm. और पाकिस्तान में ये पोटेंशियल मौजूद है, mm -hmm. है mm -hmm. फैसलाबाद के तीन लड़के थे जिन्होंने वायरस बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको जॉब्स दी थी सो दैट मीनस के पाकिस्तानियों में वो स्किल सेट अवेलेबल है दे केन वर्क रिली दे दे हैव दे कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स पे टेस्टला ने जो बैटरी बनाई है जो कि बैटरी बनाई है पाकिस्तानी पाकिस्तान इज अर डूंगज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इज आर डूइंग इंफॉर्मेशन कम्युनिक टेक्नोलॉजी मैंने कहा कि ये सबसे बेस्ट फील्ड है आप इस तरफ जाइए दूसरा जो बेसिक uh, जो आपकी फील्ड्स हैं लाइक अकाउंटिंग की फील्ड है आपकी सेल्स की फील्ड है आप प्रोडक्शन की फील्ड है इंजीनियरिंग की फील्ड है ये सदा बहार है और ये सदा बहार रहेंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि कायद ने कहा था कि टॉप इज़ ऑलवेज एमटी इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू हाउ यू रीच द टॉप ठीक है तो जो हाईली स्किल्ड इन एवरी फील्ड है उनकी प्लेस तो हर जगह पे मौजूद है हाँ नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ में मैं नंबर वन रेट करता हूँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को वर्ल्ड वी शुड फोकस ऑन बिकॉज़ ह्यूज रेवेन्यू इन्वॉल्व इन इट और वी कैन अर्न लाइक फ्रॉम दैट इसी से जो है ना मतलब है कि मुंसलिक जो है ना वो है अगेन uh, ये भी, ये भी, uh, जो है ना uh, हम बात हैं विजुअल्स uh, की कि अब बहुत से इंट्रोडक्शन आप देखें पुराने वक्तों में हम जब एच में थे तो हम क्या करते थे एक बंदा आता था और के लिए हम बैठ जाते थे उसको समझाना शुरू करते थे पॉलिसीज़ के जी हमारी ये पॉलिसीज़ हैं आप इतने बजे आएँगे आप इतने बजे जाएंगे आप ये करेंगे आप वो करेंगे अब हम उसको एक वीडियो देते हैं भाई ये विजुअल है ये वीडियो है इसको देख लें आप ठीक है और आप इसके लिहाज से अब आप उसको विजुअली इंगेज करते हैं देट मीन्स यूर यूजिंग टेक्नोलॉजी ना उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आप ठीक है आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आप उसको विजुअल टूवर्स कराते हैं सो hmm. so, ये जो चीज है आपको वही अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड ये आपको देखना पड़ेगा लेकिन इसमें एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट हम बार बार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इतना आगे जा रहे हैं कि उसमें से ह्यूमन एलिमेंट निकालते जा रहे हैं hmm. और जापान में जो अब उन्होंने दो कंट्रीज की एग्जाम्पल दूंगा जापान एंड चाइना चाइना की डबल डिजिट ग्रोथ थी देर इज अज डिबेट गोइंग ऑन बिग डिबेट गोइंग ऑन इन चाइना कि हमें अपनी इस डबल डिजिट ग्रोथ को सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना है वाई आप लोग कहते हैं कि आप डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं तो आप सिंगल पे क्यों आ रहे हैं उन्होंने कहा कि जी वी आर डिप्लीटिंग दी ह्यूमन वी आर डिप्लीटिंग रिसोर्सिस नेचुरल बाय दिस डबल डिजिट ग्रोथ सो दे आर ब्रिंगिंग एन द्यूमन एलिमेंट इन टू देर डेवलपमेंट जापान में हाईएस्ट हार्ट फेलियर रेट्स हैं वाई उन्होंने अपनी लाइफ को इतना मैकेनिकल कर लिया है कि अब जापान इज नाउ थिंकिंग टू रिड्यूस इट डाउन द पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं बिकॉज उसमें से ह्यूमन एलिमेंट निकल गया था सो so हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए ये जरूर देखना है कि हम अपने ह्यूमन एलिमेंट को कहीं मिस आउट ना करते हैं hmm. इसीलिए मैंने अपने पिछले सवालों के अंदर बात की एथिक्स की मोरालिटी की ये वो चीज़ें जो कंप्यूटर नहीं कर सकता कंप्यूटर hmm. ने टू प्लस टू फोर कर करके आपको दे देना है hmm. लेकिन ये आपने देखना है कि आपने उससे काम क्या करवाना है वो जो ह्यूमन एलिमेंट है आप उसको मिस नहीं कर सकते एंड दैट शुड रिमेन दे बहुत खूब हारून साहब रियली इंफॉर्मेटिव एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है इससे बहुत सारे लेसन भी लेगी और डायरेक्शन भी लेगी हारून साहब ये बताइएगा कि हमने बहुत सारे डायमेंशनस के ऊपर गुफ्तु की हमने ये भी बात की कि जी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं क्या कंस्ट्रेंट्स हैं क्या लिमिटेशन हैं uh, ये भी बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्लोबल मार्केट कैसी है पोस्ट कोविड मार्केट कैसी है और uh, इसके अंदर हमने ये भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एम्प्लीकेशनज हैं फ्री uh, लांसिंग को हम कैसे uh, जो है ना मोबलाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कैसे द uh, फ्यूचर है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तो आप ये बताइएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए कैसे वो यूज़ करना चाहिए ताकि यूथ को जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स मिल सकें देखिए देर लॉट ऑफ साइट्स आप इसको यूज करते बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं द अपकमिंग वेरी हॉट प्लेटफॉर्म इज प्रोफाइल हमारे यहाँ हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते इफेक्टिवली देखिए और इसको अपडेट भी नहीं करते लेट्स से आई फाउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द इम्प्लॉयज़ कमिंग इन और जब मैं उनको उनके रेफरेंस सर्च के लिए ऑनलाइन को सर्च करता हूँ तो उनका लिंक इन प्रोफाइल नहीं होता उनका अगर लेट्स से रोजी डॉट पी के ऊपर अगर मुझे उनका सी वी मिल गया है तो वो इतना पुराना है उन्होंने कभी अपडेट नहीं किया होता इसी तरीके से इंडीड है मुस्तबिल डॉट कॉम है uh, जो है मज़दूर डॉट काम है जॉब्स के और पोर्टल्स हैं बेथ डॉट कॉम है इंटरनेशनली अगर हम देखें लिंकटिन इंटरनेशनली यूज़ होता है सो इन प्लेटफॉर्म्स को अगर हमने देखे ये भी आपकी आइडेंटिटी है यू आर क्रिएटिंग योर विजुअल आइडेंटिटी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स आपको अगर नेशनली अच्छी कंपनीज में या इंटरनेशनली जाना है तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा आज बहुत सी जॉब्स ऑनलाइन पोस्ट होती हैं उसमें ऑप्शन होती है वुड यू लाइक टू अप्लाई थ्रू योर लिंकड इन प्रोफाइल और यू विल अपलोड योर सी और बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो आपका सीवी मांगती नहीं है वो कहते हैं, कर हैं। अब हमने लिंक इन जब ज्वाइन किया एक दफा फिल इन किया और उसके बाद उसको अपडेट नहीं किया हमने वहां अपनी स्किल्स नहीं डाली हमने वहां पे अपना जो अपडेटेड वर्क है वो नहीं डाला सो so, हमें बड़ा इफेक्टिवली इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा द नेशनल लेवल जॉब्स वो तो चले आप फिर भी सीवी ड्रॉप कर देते हैं लेकिन इंटरनेशनली लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है excellent, excellent. वो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और इफेक्टिव प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी विद योर स्किल सेट्स विद योर अचीवमेंट्स वो आप करें लिंक्डइन यूज करें इवन अगर आप uh, बेत करें यूज आप रोजी यूज करें आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें उसके अंदर इफेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट करें तो हारून साहब मतलब है कि जस्ट टू कंक्लूड अगर आप कोई जो है ना मैसेज uh, देना चाहें मारी को देखिए वन मैसेज टू द यूथ इज प्लीज 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 डेवलप योर स्किल्स मास्टर योर स्किल्स एंड देन बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड टू योर करियर अगर आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे आप दिलजोई के साथ काम नहीं करेंगे और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करेंगे और चीजों को बीच में छोड़ देंगे तो दुनिया आपको कभी भी काम नहीं देगी दुनिया आपको कभी भी पसंद नहीं करेगी लोग दुनिया को वो लोग पसंद हैं जो एम्बिशंस रखते हैं जो ख्वाब रखते हैं और उन ख्वाब को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सो so, अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें इट्स अ रिलेशनशिप ये जो मार्केट है इसका रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस तो वेरी एंड वेरी कॉम्प्रीहसि डिस्कशन बाय हारून अहमद शबीर मैनी न्यू आइडियाज़ हैव बीन जनरेटेड मैनी न्यू एवेन्यूज़ जो हैं बीन डिस्कस्ड एंड शेयर्ड न्यू प्लेटफॉर्म्स शेयर्ड, न्यू बीन है अब ये है कि हरकत में बरकत है uh, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ इस गुफ्तगू को सिर्फ आपने सुनना नहीं बल्कि जो है ना इसको आपने एक्शन बेस्ड बनाना है आज ही आप अपने सी वी को इम्प्रूव करें आज ही आप अपने लिंकन प्रोफाइल को बनाएं आज ही अपने प्रोफाइल को मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स का जिक्र हुआ है उनके ऊपर डालें और उसको कस्टमाइज करें एंड देन मूव फॉरवर्ड जो हारून साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अपने स्किल्स को बढ़ाएं आप आपके पास अगर एक स्किल है दो और अक्वायर करें तीन स्किल्स हैं तो पांच स्किल्स बना दें और अगेन ये हारून साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि डिग्रीज मैटर ऑल्सो सो बदकस्मत है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं तो बदकिस्मती किस चीज में कि इलम हासिल नहीं की तो आप आ, स्किल्स अपनी एबिलिटीज को और अपने फॉर्मल एजुकेशन को आगे से आगे लेके जाए ताकि आपको आ, ना जाना पड़े नौकरी के लिए बल्कि जो हेड हंटर्स हैं जैसे जो शुरू में बात हुई थी कि हेड हंटर्स आपके लिए आए और आपको एक नहीं कई नौकरियां जो है ना ऑफर हो और इसी तरह जो आप बिजनेस करें फ्रीलांसिंग करें ऑन्टरप्रीनियोरशिप करें तो लोग आपके साथ जो है ना मिलना चाहें क्योंकि आप एक बहुत जो है ना स्किलफुल और एबिलिटी सेंट्रिक इंडिविजुअल हैं तो अगेन लेडीज़ एंड जेंटम आई वुड लाइक टू थैंक हारून अहमद शबीर साहब फॉर कमिंग ओवर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आने वाले वक्त में हम एक फ्री लांसिंग के ऊपर uh, भी जो है ना एक डिटेल्ड uh, uh, जो है ना एक शो करेंगे और अगेन हारून साहब की जो गुफ्तु है उससे बहुत कुछ हासिल करेंगे थैंक यू सो मच वेरी काइंड बहुत शुक्रिया